अब आप सिर्फ साई की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। दादा चले गए, सरकारी क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा। और मौशी, मैंने आपसे कहा ना, सही यहाँ नहीं, नागपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी। उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और ऊपर से जो कोई जरूरत होगी वो मैं पूरी करूंगा। दादा चाहते थे कि सही की जिम्मेदारी आप ले, आप अपने साथ अपने घर ले जाके। साहब, ये बात कमल ने हम सबके सामने कही थी, याद है? ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच चुका, मुझे याद। तो अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा। बिल्कुल, अगर आप नागपुर जाते हैं तो आपको सई को भी साथ लेकर जाना ही होगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं सई को अपने साथ अपने घर ले जाऊं नागपुर में। मेरी फैमिली है, ये नहीं हो सकता। और ये सब छोड़िए, आप आपने देखा ना सई कैसे मुझसे, वो मानती है कि कमल सर की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन सर, सुशील साहब के अलावा पूरी दुनिया में सही का कोई भी नहीं था। समझता हूं इंस्पेक्टर पवार, लेकिन मैं सही को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अकेले तो हम आपको जाने नहीं देंगे साहेब। एक तरीका है जवान साहब। क्या? आप सही से शादी कर लीजिए। क्या? हम सब ने इस बारे में बहुत सोचा, और हम सबका यही मानना है कि इससे बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता। देखिए सर, अगर आप सही से शादी करते हैं तो आप उसे एक, आप सबका दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सही को सिर्फ आप संभाल सकते हैं चव्हाण साहब, और वो आपकी बात भी सुनती है। मौशी प्लीज, जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में प्लीज आप बात। ये हम सबकी दिली इच्छा भी है बेटा। तो आप सबकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप चाहते कि मैं सही से शादी कर लूं? सर, सिर्फ हमारी नहीं, सुशील साहब की भी यही आखिरी इच्छा थी। सर, कमल सर की आखिरी इच्छा आप पूरी कर दीजिए। सर, मरने से पहले कमल से आपने ये वादा भी किया था। तो मैं अपने वादे से पीछे कहां हट रहा हूं? मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने आप सबसे कहा कि सही की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाऊंगा मैं, और उसे शादी करके नेवर। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? कल मेरे आपा की मौत हुई है और आज आप लोग मेरी शादी की बात करें? और वो भी इस इंसान से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मौसी,
आप इनको बोल दीजिए इनका मिशन पूरा हो गया, ये यहाँ से जा सकते हैं। तू गप्पा बस, बात को समझ। आप समझिए, अगर ये दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तो भी मैं इनसे कभी शादी नहीं करूंगी। और जिसकी वजह से मेरे आबा की मौत हुई, उससे अब मेरी शादी। अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी मेरे आबा मुझे अच्छे से सिखा के गए। और मिलिंद काका, आपने सोच भी कैसे लिया, मैं कोई घर की पड़ी हुई चीज हूं क्या, जो ऐसे किसी को भी उठा के दे दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती हूं, मुझे किसी के सहारे और झूठी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। सही सही बेटा, सही। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित करवाया। बोलो अखंड सौभाग्योती सती सावित्री की जय। आई, व्रत में प्रसाद तो खा ही सकते हैं, है ना? प्रसाद तो नहीं खा सकते बेटा, लेकिन हाँ थप्पड़ चाटा लाफा खा सकते हैं। खिलाओ, ये देती हूँ एक। चल। अश्विनी काकू, व्रत में भूखे प्यासे रहना जरूरी है क्या? मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। करिश्मा, इस व्रत को वही झेल सकता है जिसके दिल में ठहराव हो। अब तुम ठहरी चंचल तो तुमसे तो होगा नहीं। ठहराव सीखना है तो पत्र लेखा से सीखो। सुबह से कुछ खाया तक नहीं है बेचारी ने। क्या बात कर रही है मानसी ताई, हमने भी तो सुबह से व्रत रखा है, हमने भी कुछ खाया पिया नहीं है। कम से कम हमारी हालत ऐसी तो नहीं हो रही है। सच्चे मन से व्रत रखा जाए तो हालत खराब क्यों होगी सोनाली? बिल्कुल सच्चे मन से व्रत रखा है मेरी बहू ने। थैंक यू पत्रलेखा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे इस व्रत से मेरा सम्राट सही सलामत लौट आएगा। ये सावित्री लेकर आएगी सत्यवान को, हमारे सम्राट को लाएगी ना पत्रलेखा? चला। चवन साहब, अभी वो गुस्से में है, उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ चवन साहब, अभी सही से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं फायदा या नुकसान नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ सही के बारे में सोच रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी।
मौसी, मैंने कहा ना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सही, अच्छा मन और साफ नियत रखे बिना अगर व्रत किया जाए तो ऐसे ही होगा ना। नहीं, क्या हो गया है आपको? यूं बिचारी के पीछे पड़ी रहती हो जब देखो। पत्र लिखा? बेटी कैसी हो तुम? अरे अरे आराम कर, आसुते सब ठीक है ना? पहली बार रखा ना वट सावित्री का व्रत, इसलिए चक्कर आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, होता है। हमारे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ। ओ बेचारी पत्र लेखा भाभी, तो पहले से ही बेचारी इतने टेंशन में है और अब डिहाइड्रेशन हो गया। सब ठीक हो जाएगा, ये लीजिए पानी। पागल हो गई है क्या? अगदी बरोबर है वहीं। करिश्मा, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? क्या हुआ आई? निर्जल होता है ये व्रत, इतना तो पता ही है ना? घर वालों ने कुछ संस्कार दिए होते तो पता होता ना रीति रिवाज क्या होते हैं। तुम भूल गई क्या? पत्र लेखा ने ये व्रत सम्राट की सलामती के लिए रखा है और ये व्रत इस तरह बीच में नहीं तोड़ा जाता। एक तो पहले ही चुन्नी में आग लगने से अपशकुन हो गया है। ओ कम ऑन वहिनी, एक तो उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आप लोग ना बस पता तुम्हें नहीं। इसकी तबीयत की फिक्र है और सम्राट की नहीं? जो न जाने इस वक्त कहां होगा, किस हाल में होगा। अब आबा के सीनियर थे और अब आबा जा चुके, मुझे आपसे कोई काम नहीं और आपका यहाँ कोई काम नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा यहाँ होना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादा पसंद? बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत करती हूँ मैं आपसे। और मुझे नहीं पता था आपको अपनी बेइज्जती कराने का इतना शौक है। जब मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मुझे आपसे बात तो क्या, शक्ल भी नहीं देखनी, तो फिर आप क्यों? मुझे बस 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, बस 5 मिनट बात करनी है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सही, मैं कल नागपुर जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। हमने उस जगताप को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। सर थामो! लास्ट मोमेंट पे पता नहीं कहां से उसके हाथ में वो गन आ गई और अगर कमल सर मेरी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते तो शायद हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कोई नई कहानी है क्या? हो गया सही, ये कहानी नहीं सच है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। नहीं, आप मुझे ये सब इसलिए नहीं बता रहे, आप मुझे ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आप अपने दिल से
इस गिल्ट का बोझ कम करना चाहते हैं। आप ये जताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप ये प्रूफ करना चाहते हैं मेरे आपा की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। आप ये प्रूफ करना चाहते हैं। सही, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं बस बात करने आया हूं। सही, ये तुम भी जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। कमल सर के उनके जाने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ कहा था। एक वादा लिया था मुझसे। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच सकूं। मुझे वादा दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा। तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं अपने वादे का पक्का हूं। क्या सोचा, क्या करना है? आगे जाने के बाद क्या सोचना, क्या समझना, सोचना समझना मेरी जिंदगी से चला गया। सर प्लीज मत भूलो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आबा भी चाहते थे कि तुम डॉक्टर बनो। और तुम प्लीज इस चीज की टेंशन मत लेना कि कॉलेज और स्टडीज इन सब का अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं जाना मुझे कॉलेज, नहीं करनी मुझे पढ़ाई, नहीं बनना मुझे डॉक्टर, और आपकी मदद लेके तो बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, बट प्लीज अपने इमोशंस में आकर अपने करियर को तुम ऐसे सही, मैं चाहता हूं कि तुम चाहते, आप चाहते, आप क्या चाहते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपके चाहने न चाहने की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है। नोटपैड में मैंने अपने नागपुर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है, कभी लाइफ में मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी, मैं आ जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपसे मदद मांगूंगी। मैं मर भी रही होंगी ना तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये तुम्हें आज लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन कल, कल किसने देखा? ना तुमने ना मैंने। सही, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विराट सर,